हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बनाने जा रहे हैं हमारा पॉकेट सैंडविच. ओके, तो इसके लिए आपको क्या क्या लगेगा? इसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स लगेंगे 2 ब्रेड की स्लाइस. विद दैट आपको लगेगा मेयोनीज. ओके, तो मेयोनीज क्या है? आप ये यूज़ कर सकते हो या कुछ और भी सॉस यूज़ कर सकते हो. यहाँ मैंने पिचको यूज़ किया हुआ है. ठीक है, पिचको के साथ साथ आप कोई भी दूसरा सॉस यूज़ कर सकते हो. कैप्सिकम, कैप्सिकम को मैंने थिनली स्लाइस कर लिया है. अनियन, इसको भी मैंने क्या किया है, स्लाइस कर लिया है. उसके साथ साथ क्या लिया है मैंने, कुकुम्बर, और उसको भी स्लाइस किया है, और टमाटो. ओके, इन ये सारे वेजिटेबल्स के साथ साथ पहले मैंने लिया है यहाँ पे कैबेज. कैबेज को मैंने ग्रेट किया हुआ है. ठीक है, कैबेज को ग्रेट करने के साथ साथ मैंने ग्रीन चिलीज ली हैं. अगर आपको तीखा पसंद है आप यूज़ कर सकते हो, वरना अवॉइड कीजिए. और यहाँ पे लिया हमने कोरिएंडर. फिर चीज़ को ग्रेट करके डालेंगे हम उसके ऊपर. विद दैट हमारे पास है हमारी कुछ सीजनिंग्स और सॉल्ट. तो सॉल्ट लिया है मैंने, ब्लैक पेपर लिया है मैंने, ये मेरा ब्लैक पेपर है, और ये है हमारा चाट मसाला. ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे ली हैं. उसके साथ साथ मैंने क्या लिया है, उसके साथ साथ मैंने लिया है ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स. ओके, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो यूज़ करो, वरना फिर इसको अवॉइड कर सकते हो. ठीक है, सब्जियाँ भी आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसको यूज़ करो, वरना सारी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो. ओके, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हमने लिया है ग्लास. ग्लास की जो एज है वो कैसी है, शार्प है. ओके, तो क्या होगा इससे, इससे हमारी जो ब्रेड अगर हम कट करेंगे सर्कल में तो सही तरीके से कट होगी. देख रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसी आपकी ब्रेड कट होने वाली है. अब मैं आपको ब्रेड की कटिंग भी बता देती हूँ. तो क्या क्या करेंगे हम उसके लिए, हम ब्रेड लेंगे. ठीक है, हम एक एक करके ब्रेड्स लेंगे. एक ब्रेड मैं अलग रख देती हूँ. एक ब्रेड हमने ली, उसके बाद उसके ऊपर ग्लास प्लेस करेंगे. ग्लास प्लेस करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, उसको कट करने वाले हैं. तो पहले होल्ड करेंगे और साइड से सारी एजेस को इस तरीके से कट कर लेंगे. ठीक है, हम एजेस को क्यों कट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ब्रेड का जो हमारी कॉर्नर्स हैं वो हमें एकदम स्मूथ चाहिए, अच्छे चाहिए. ठीक है, इसको हमने क्या किया, निकाल लिया. देखिए ऐसे हमने निकाल लिया. निकालने के बाद क्या करने वाले हैं, इस ब्रेड को हम साइड में रखेंगे. हम घर पे इसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं या फिर इसको ऐसे ही खा सकते हैं. ठीक है, लेकिन इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे. ठीक है, इसके बाद क्या होना है, इसके बाद देखिए हमने सर्कल निकाला. कितना सही सर्कल बना है हमारा. ठीक है, बस इसमें एक छोटा सा स्पॉट है जो मुझे पसंद नहीं आ रहा, बट इट्स ऑल राइट. अब हमें सेकेंड वाली ब्रेड लेनी है, उसको भी सेम तरीके से हम कट करेंगे. देख रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे आपको कट करना है इसको. ठीक है, देखिए कट किया है, एजेस से हमने इसको काटा. अब हम क्या करने वाले हैं, इसको निकालने वाले हैं. सी, यस, इसको हमने ऐसे निकाला, दैट्स इट. निकालने के बाद कि हमारा सेकंड वाला जो है रेडी हो गया. ओके, ये हमारे मैंने पहले चार काट करके रखे थे, ये चार और ये टू. ठीक है, हमारे हो गए हैं रेडी. अब हमें क्या करना है, हमें लेना है दो बेस. हमने लिए तो ये दो बेस, एक में लगाएंगे हम मेयोनीज. ठीक है, देखिए बिल्कुल इवनली स्प्रेड करेंगे आप, किसकी हेल्प से, नाइफ़ की हेल्प से. ठीक है, आपके यहाँ पे बटर नाइफ हो गया, आप उससे लगा सकते हैं. चाहे तो आप इसमें मेयोनीज नहीं है तो बटर भी लगा सकते हैं. ठीक है, मेयोनीज लगा लिया हमने, आपको जितना पसंद है आप उसके अकॉर्डिंगली लगाएंगे. ओके, फिर एक दूसरी स्लाइस हम क्या करेंगे, टमाटो कैचअप लगाएंगे. ओके, तो कैचअप भी आप बिल्कुल इवनली स्प्रेड करोगे, जैसे मैं करती जा रही हूँ यहाँ पे. देखो आप, बिल्कुल इवनली आपको पूरी कॉर्नर्स में इसको स्प्रेड आउट करना है, बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड करना है. ठीक है, और ज़्यादा नहीं लगाना, वरना आपकी ब्रेड ना बहुत ज़्यादा गीली गीली हो जाएगी. पहले आप क्या लगाओगे इसके ऊपर, पहले आप रखोगे आपके जो टमाटो वाली स्लाइस है ना, आप उसके ऊपर रखोगे. ठीक है, आप रखेंगे एक ककुम्बर, ककड़ी का एक पीस रखेंगे. ठीक है, एक स्लाइस, उसके ऊपर डालेंगे आप चाट मसाला. ठीक है, हम लेयरिंग करते जाएंगे ऐसे. ठीक है, उसके बाद आप डालेंगे टमाटो, टमाटो के ऊपर आप डालेंगे क्या, काली मिर्च का पाउडर. ओके, ब्लैक पेपर जो रहता है वो थोड़ा सा तीखा होता है, तो आपको अगर पसंद है तो आप डालिए, नहीं पसंद तो आप अवॉइड कर सकते हैं. उसके बाद आप डालेंगे अनियन. ठीक है, अनियन को आप क्या करेंगे, ऐसे प्लेस करेंगे, और उसके ऊपर क्या करेंगे हम, उसके ऊपर हम डालेंगे हमारी कैप्सिकम. ओके, कैप्सिकम के मैंने स्लाइसेस किए हुए थे ना, तो वैसे ही मैं कैप्सिकम को प्लेस कर दूंगी. आपको जितना पसंद है आप उतना ही कैप्सिकम डाल सकते हैं. मोस्ट ऑफ कैप्सिकम खाना चाहिए, यह आपकी बॉडी और स्किन के लिए अच्छा होता है. ठीक है, कैप्सिकम के बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके ऊपर सीजन करेंगे हमारा सॉल्ट. सॉल्ट मतलब नमक. ठीक है, जितना आपको पसंद है आप उतना डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है.
अगर आप कम खाते हैं तो कम डालिए, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालिए, ओके। इसके बाद हमारा है क्या, कैबेज। जो हमने कैबेज को ग्रेट करके रखा हुआ था, हम वही कैबेज क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर डालने वाले हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे आपको क्या करना है, कैबेज भी इसके ऊपर डाल देना है, ठीक है। देखिए मैंने भी इस पर कैबेज डाल दिया है। इसके बाद हमारी बारी है चीज़ की, ओके। तो चीज़ को भी आप एक ग्रेटर लेंगे, ऑफकोर्स ग्रेटर से आप क्या करेंगे, चीज़ को ग्रेट करके डालेंगे। आपको जितना चीज़ पसंद है आप उतना डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा ज़्यादा चीज़ पसंद है तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ज़्यादा भी चीज़ डालने वाली हूँ, ठीक है। देखिए बिल्कुल आपको जितना पसंद है आप उतना यूज़ कर सकते हैं, आपको नहीं पसंद तो आप अवॉइड कर सकते हो चीज़, ठीक है। लेकिन चीज़ को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। चीज़ को या किसी भी चीज़ को आपको क्या करना है, वेस्ट नहीं करना है। इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर हमारे सीजनिंग्स। तो पहले आता है चिली फ्लेक। चिली फ्लेक एक्चुअली थोड़ा सा स्पाइसी होता है, आप चाहो तो डालो वरना आप इसको अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। चिली फ्लेक्स हमने डाल दिए हैं। इसके बाद हम डालेंगे ऑरिगैनो, ठीक है। ऑरिगैनो क्या होता है, या एक्चुअली इटालियन डिशेस के लिए ये ज़्यादा बेस्ट होता है, तो ऑरिगैनो आप चाहो जितना डालो, ठीक है, अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो हमने पीस लगाया हुआ था उसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से उल्टा करके इसके ऊपर डाल देंगे। जैसे हमने इसको प्लेस किया, हम इसको प्रेस करेंगे और क्या करने वाले हैं, इसके इसका कॉर्नर्स से सही तरीके से इसको बाइंड अप करने वाले हैं, ठीक है। देखो बिल्कुल ऐसे इसको एकदम आप हाथों की हेल्प से, या फिर चाहो तो फोक से या नाइफ से, आपको जैसा सूटेबल लगता है आप इसको क्या करोगे, इस तरीके से कर लोगे, ठीक है। देख रहे हो बिल्कुल इस तरीके से आप इसको प्रेस डाउन कर दोगे और आपका ये छोटा सा पॉकेट सैंडविच रेडी हो गया है। अब बारी आती है इसके डेकोरेशन की, ठीक है। तो इसको डेकोरेट करने के लिए आप क्या क्या करोगे, हम ये चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है ना हमारा पॉकेट सैंडविच, अब हम करेंगे इसको डेकोरेट। तो डेकोरेशन के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके ऊपर आप लगाएंगे थोड़ा सा मेयोनीज, क्योंकि हम जो भी सब वेजिटेबल्स इस पर प्लेस आउट करेंगे हम नहीं चाहते कि वो गिर जाए, तो हम पूरे सरफेस पे मेयोनीज लगा देंगे। देख रहे हो आप मेयोनीज की जगह बटर यूज़ कर सकते हो, चीज़ स्प्रेड यूज़ कर सकते हो, जो चीज़ आपको पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर मेयोनी लगाने के बाद हमें क्या करना है, हम पहले इसकी बनाने वाले हैं नोज़, ओके। नोज़ किससे बनाएंगे हम, नोज़ बनाएंगे हम हमारे कैप्सिकम से, ठीक है। इसको थोड़ा सा काटेंगे, ठीक है, हल्का सा ट्राइगोनल होगा तो ज़्यादा बेस्ट लगेगा। देखिए बिल्कुल इस तरीके से मैंने क्या किया है, इसको कट कर लिया है और इसको प्लेस किया एकदम सेंटर में, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम टमाटो लगाएंगे। टमाटो क्यों, हम स्माइली बनाने वाले हैं टमाटो से, ठीक है। तो जैसा मैंने कट किया है टमाटो, अब उस तरीके से ही टमाटो को कट करेंगे और स्माइली की तरह प्लेस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम उसके हेयर्स बनाने वाले हैं। एक्चुअली मार्केट में भी फिलहाल कैरेट अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे किसका यूज़ किया है, कैबेज का। आप चाहो तो यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो, कैरेट का यूज़ कर सकते हो, उसके हेयर्स बना सकते हो। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसकी आईज़ बनाने वाले हैं। आईज़ अब बनाएंगे और इस तरीके से बिल्कुल केचप से आप आईज़ बनाएंगे, चाहें तो टमाटो से ही बना सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे सॉस का ही यूज़ किया है, ठीक है। देखिए बिल्कुल मेरा ये वाला सैंडविच रेडी है, और इससे पहले मैंने एक सैंडविच रेडी करके रखा हुआ था, ये हमारा सैंडविच रेडी हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही कुछ प्यारे प्यारे सैंडविचेस हमारे बच्चों ने बनाए हैं, तो देखते हैं उनके प्यारे प्यारे सैंडविचेस। सी